हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो दोस्तों, एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे, बहुत ही बेहतरीन होने वाली है आने वाले दिनों के अंदर। हमने सोचा है कि अल्टरनेटिव डेज के अंदर हम एक बेस्ट ऑफ गेट नाम की सीरीज चलाए। आज उसका एपिसोड नंबर 1 है। इसके अंदर हम करने क्या वाला है, इसके अंदर हम बेस्ट जो गेट के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे लेवल भी बहुत बेस्ट होते जाएगा। बस मेरी तरफ से आपको यही कहना है कि यार, ये सीरीज को सक्सेसफुल बनाना आपकी जिम्मेदारी है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए। अगर ये सक्सेसफुल होती है तो डेफिनेटली इसके एपिसोड ज्यादा हम बनाएंगे। आज के पहले एपिसोड के अंदर हमने एक सिलेक्ट किया है गेट 2019 का क्वेश्चन, फोर राउंड सेशन का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया है। ये पहली बार ही 2019 में ऐसा क्वेश्चन आया था, उसके बाद अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन का ब्रीफ क्या है, ये साइफन के ऊपर है, फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है, आपको पता ही होगा, और इसके अंदर हमें बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन करना है। आइए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 2 वाटर रिजर्वर्स आर कनेक्टेड बाय अ साइफन रनिंग फुल, ठीक है, वो जो पाइप है वो कंप्लीटली फुल है, ऑफ टोटल लेंथ ऑफ 5000 मीटर, जैसा कि आपको यहां पर दिख ही रहा होगा, टोटल वर्ड इंपॉर्टेंट है, और उसका डायामीटर एंड डायामीटर ऑफ 0.10 मीटर एज शोन इन फिगर बिलो। और यहां पर इन्होंने बोला है कि हमने जो आपको फिगर ड्रॉ करके दिया है उसका स्केल के साथ कोई लेना देना नहीं है, फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंप्लीट फिगर आपको यहां पर दिख ही रहा होगा। द इनलेट लेग लेंथ ऑफ द साइफन टू इट्स समिट इज 2000 मीटर। कहना क्या चाह रहे हैं भाई, अब पेन पकड़ने का समय आ चुका है। ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, 2000 मीटर। तो अगर ये 2000 मीटर है और टोटल लेंथ कितनी है, 5000 है, तो समिट से लेकर यहां तक की लेंथ फिर ये कितनी हो जाएंगी, यहां तक की लेंथ आपकी हो जाएंगी 3000 मीटर, जिसका हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जो आपको आगे पता चलेगा। अभी के लिए इतना है कि भाई टोटल लेंथ 5000 है और यहां पर रिजर्वेयर 1 से लेकर, यानी पहले रिजर्वेयर से लेकर समिट तक का जो लेंथ का डिस्टेंस है वो कितना है, 2000 मीटर। चलो आगे पढ़ते हैं। द डिफरेंस इन वॉटर सर्फेस, चलो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऊपर घुमाता हूं। द डिफरेंस इन द वॉटर सर्फेस लेवल ऑफ द 2 रिजर्वर इज 0.5 मीटर, अरे 5 मीटर, यानी 2 रिजर्वर के बीच में जो डिफरेंस है लेवल का, ये आपको फिगर के अंदर भी गिवन है और यहां पर टेक्स्ट के अंदर भी गिवन है कि 5 मीटर का डिफरेंस है, ये वाला जो आपको यहां पर दिख रहा होगा 5 मीटर वाला। ओके, अज्यूम द परमिसिबल मिनिमम एब्सोल्यूट प्रेशर एट द समिट ऑफ द साइफन टू बी 2.5 मीटर। यहां पर मिनिमम एब्सोल्यूट प्रेशर कितना इन्होंने लिया है, 2.5 मीटर, हेड के रिस्पेक्ट में यहां पर इन्होंने क्या दिया है, प्रेशर दिया है, प्रेशर यानी पी डिवाइड बाई रो जी इज इक्वल टू 2.5 दिया है, आसान भाषा में बोले तो, When running full, और obvious बात है कि running full condition ही है, जैसा कि शुरुआत की पहले sentence में ही बोला है। अब यहाँ पर इन्होंने given कुछ दिया है, given friction factor F is equal to 0.02 पूरे pipeline के अंदर throughout, इन्होंने word भी इस्तेमाल किया है। Atmospheric pressure इन्होंने लिया है 10.3 meter, कहाँ पर है, जहाँ पर atmosphere है, atmosphere कहाँ पर है, reservoir, ये इसको मैं 1 बोल देता हूँ, ये आपका reservoir 1 हो जाएगा और ये आपका reservoir 2 हो जाएगा। रिजर्वर 1 और रिजर्वर 2 ऑब्वियस बात है कि दोनों क्या है, ओपन टू एटमोस्फेयर है, तो दोनों के ऊपर अगर P1 डिवाइड बाय रोजी और P2 डिवाइड बाय रोजी की वैल्यू लेंगे तो ये कितना होगा, 10.3 मीटर होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g इक्वल टू 9.81 एज यूजुअल मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कंसीडरिंग ओनली मेजर लॉसेस, माइनर लॉसेस को कंसीडर नहीं करना है, कंसीडरिंग ओनली मेजर लॉसेस। तो मेजर लॉस में ऑब्वियस बात है कि क्या आएगा, फ्रिक्शनल लॉस आएगा, FLV² डिवाइड बाय 2ZD या FLQ² डिवाइड बाय 12.1 d^5, दोनों का एप्लीकेशन आप यहां पर कर सकते हो। डार्सी वेस्ब्रिज इक्वेशन, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द समिट, कौन है मैक्सिमम हाइट, यहां पर इन्होंने बहुत ही क्लेरिफिकेशन के साथ बोला है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ समिट कहां से, ये जो h की वैल्यू है ना ये फाइंड आउट करनी है, ये जो h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द समिट ऑफ साइफन फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ अपर रिजर्वर, जैसा कि हमें क्लियरली एच की वैल्यू दिख रही है, अपर रिजर्वर से लेकर समिट की हाइट एच आपको फाइंड आउट करनी है, इन मीटर राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेसेस। देखो यहां पर बहुत लर्निंग होगी और यहां पर मैं कैलकुलेशन के लिए भी
मैं क्या इस्तेमाल करने वाला हूँ, गेट का वर्चुअल कैलकुलेटर इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ये सीरीज से आपको बहुत फायदा होने वाला है, बस इसको सक्सेसफुल बनाना आप स्टूडेंट की जिम्मेदारी है। ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है स्टूडेंट के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले भाई और हम ज्यादा से ज्यादा एपिसोड बना सके इस टाइप के। और कमेंट में जरूर से बताना कि ये क्वेश्चन कैसा लगा और इस एपिसोड को आपको सपोर्ट करना चाहिए और आगे, यानी कि ये क्वेश्चन से आपको लर्निंग हासिल हुई कि नहीं हुई, ये सारी बातें कमेंट में लिखना, मैं जरूर से पढ़ूंगा। तो अभी क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो आसान भाषा में मैं क्वेश्चन को बता दूं, हमने इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ा, ये क्या कहना चाहते हैं कि भाई हमने तुम्हारे सामने दो रिजर्वायर रखे हैं, एक है अपर रिजर्वायर और एक है लोअर रिजर्वायर, ठीक है। अपर और लोअर के बीच का जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना है, 5 मीटर, ठीक है। और यहां पर क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है कि अपर रिजर्वायर से लेकर समिट तक का जो हाइट का डिफरेंस है, यानी इसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ समिट, एच की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और बाकी सारा डेटा इन्होंने गिवन है, लेंथ भी इन्होंने दी है, अपर से लोअर रिजर्वायर तक जो पाइप जा रहा है उसकी लेंथ भी दी है, अपर रिजर्वायर से लेकर समिट तक जो पाइप जा रहा है उसकी इन्होंने डिटेल्स दी है 2000 मीटर, एफ की वैल्यू दी है इन्होंने, इन्होंने बोला है कि मेजर लॉस को ही कंसीडर करना है, माइनर लॉसेस को निग्लेक्ट करना है, मतलब कंप्लीट डिटेल दी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, इसीलिए हम इसको बेस्ट ऑफ गेट के अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। तो आइए दोस्तों सॉल्व करने का समय आ चुका है। मैं पहले इन जनरल प्रोसेस इसकी डिस्कस कर लूं, करेंगे हम यहां पर क्या, देखो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हमारा अप्रोच ये रहेगा कि इसको मैं रिजर्वायर 1 बोल देता हूं और इसको मैं रिजर्वायर 2 बोल देता हूं, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा, बर्नौली इक्वेशन लगाऊंगा रिजर्वायर 1 और रिजर्वायर 2 के बीच में। मैं क्या लगाऊंगा, बर्नौली इक्वेशन लगाऊंगा रिजर्वायर 1 और रिजर्वायर 2 के बीच में, जिससे मुझे क्या मिलेगा, जिससे मुझे क्या मिलेगा, आइए देखते हैं हमें इससे क्या मिलेगा, ठीक है। चलो तो मैं रिजर्वायर 1 और रिजर्वायर 2 के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगाने जा रहा हूं। सभी लोग ध्यान से देखना, कलर भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूं बहुत प्यारा सा। चलो तो रिजर्वायर 1 और रिजर्वायर 2 के बीच में हम अप्लाई करते हैं, यहां पर लिखते हैं अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन, बीई लिखता हूं समझ जाना, बिटवीन रिजर्वायर 1 एंड रिजर्वायर 2, रिजर्वायर 1 और रिजर्वायर 2 के बीच में बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा भाई, P1 डिवाइडेड बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस जी प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस जी प्लस Z2। अब आपने सोचा कि भाई यहां तक खत्म कर दो, लेकिन लॉसेस कंसिडर करने हैं, मेजर ही लॉसेस कंसिडर करना है, माइनर नहीं। तो मेजर में कौन आता है, डार्सी वेशबेश इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, FLV स्क्वायर डिवाइड बाय 2G का मैं यहां पर इस्तेमाल करता हूं, तो मैं यहां पर लिखता हूं प्लस FLV स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2GD। अगर आपको मन हो तो आप FLQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12.1 होल मल्टीप्लाई बाय D रेस्ट टू पावर 5 वो वाला इक्वेशन भी आप लगा सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। चलो तो अब P1 डिवाइड बाय ρg, देखो यहां पर दोनों के दोनों जो रिजर्वायर 1 और रिजर्वायर 2 है वो एटमोस्फियर की तरफ खुले हुए हैं, तो ऑब्वियस बात है कि P1 डिवाइड बाय ρg और P2 डिवाइड बाय ρg पे क्या लगेगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो अपने क्या बोलने के, एटमोस्फेरिक प्रेशर की इन्होंने यहां पर वैल्यू दी है, देखो यहां पर 10.3 गिवन है कि नहीं है मेरे दोस्तों, यहां पर गिवन है एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है 10.3 मीटर ऑफ वाटर। जब एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 10.3 है तो क्यों ना हम इसे आगे बढ़ाए और देखे क्या आती है वैल्यू। सो 10.3 यहां पर लिखते हैं प्लस, अच्छा 1 और 2, ठीक है, ये 1 और 2 हमने कौन से दो सेक्शन लिए हैं, यहां पर, ठीक है, रिजर्वायर 1 की अपर सरफेस पर, या इसको बोल देंगे कि फ्री सरफेस, यहां पर क्या यहां पर पानी दौड़ रहा है क्या भाई, यहां पर कोई पानी दौड़ रहा है क्या। 1 और 2 जो आपने लेवल कंसिडर किए हैं या सेक्शन कंसिडर किए हैं रिजर्वायर 1 एंड रिजर्वायर 2 के ऊपर रेस्पेक्टिवली, क्या वहां पर कोई पानी दौड़ रहा है क्या एटमोस्फेयर पे, नहीं दौड़ रहा। दैट मींस वी की वैल्यू क्या होगी, V1 की वैल्यू भी जीरो होगी, और V1 की वैल्यू जीरो है तो पूरा का पूरा कंपोनेंट V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। Z1 को मैं एज इट इज रहने देता हूं, या एक काम करो Z1 माइनस Z2 लिख लेता हूं, ठीक है। उस Z2 को इस Z1 माइनस Z2 कितना है, 5 मीटर है, क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस ही 5 मीटर है, इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय ρg, अगेन वो भी एटमॉस्फेयर की तरफ खुला हुआ है तो 10.3 प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G, तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस FLV स्क्वायर
प्लस एफ एल वी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस जे डी। अब यहां से मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी किसकी, जो पाइप में से ये फ्लो हो रहा है उसकी, ठीक है, यानी वाटर जो पाइप में से फ्लो हो रहा है उसकी मुझे वेलोसिटी मिल जाएंगी। तो एफ की वैल्यू गिवन थी 0.02 और रिजर्वर 1 से लेकर रिजर्वर 2 तक जो पाइप है वो कितने मीटर का है, 5000 मीटर का है। तो 5000 लिख दूं मैं मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू, डायामीटर की वैल्यू जरा देख लो यार, नहीं पता तो देख लो। यहां पर डायामीटर की वैल्यू इन्होंने दी है, ऊपर ही दी थी, 5000 मीटर जो है वो लेंथ है, टोटल लेंथ, और डायमीटर की वैल्यू इन्होंने दी है 0.1 मीटर। दिख रहा है भाई 0.1 मीटर, तो मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूं यहां पर, ठीक है। चलो तो डायमीटर की वैल्यू अपनी हो गई 0.1, समझ में आ गया। और ये Z1 माइनस Z2 कितना है, Z1 माइनस Z2 आपका हो जाएगा 5 मीटर। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ 10.3 कैंसल आउट हो गया, यहां पर आपका बच्चा 5 मीटर, तो 5 इज इक्वल टू 0.02 F, L कितना है 5000 और मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई 0.1 हो गया। कहानी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सो therefore वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 0.02 एंड डिवाइडेड बाई 5000, ये वी स्क्वायर की वैल्यू होगी। सर कैसे कैलकुलेट करें, तो गेट दे रहे हैं, तो ऐसा समझो कि हम गेट दे रहे हैं, तो गेट के अंदर वर्चुअल कैलकुलेट होता है, तो वर्चुअल कैलकुलेटर आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका होगा। अब मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, एच जो कि 5 मीटर था, Z1 माइनस Z2 मल्टीप्लाई बाई, डिनोमिनेटर में क्या था, ट्वाइस जीडी, तो 2 मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई डी कितना था 0.1 डिवाइडेड बाई, चलो ये तो कहानी 9.81 ही आ गया, डिवाइडेड बाई एफ, F कितना था 0.02, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5000, तो 5000 डिवाइड कर दो, कितना आया 0.0981 आ गया। तो अब यहां पर रख दो 0.0981, ये आपका V स्क्वायर आया। देयरफॉर V इज इक्वल टू अंडर रूट ही करना है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो अंडर रूट का सिंबल देखो यहां पर है, तो अंडर रूट आ जाएगा 0.313209, तो मैं अप्रोक्सीमेट कर लेता हूँ, 0.3132 लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा देयरफॉर वी इज इक्वल टू 0.313 तक भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वी की वैल्यू मिल गई दोस्तों, वी की वैल्यू मिल गई। अभी हमने क्या किया, देखो फिर से एक बार आपको रिपीट करवा दूं, अभी हमने सेक्शन 1 जो कि रिजर्वर अपर रिजर्वर के ऊपर हमने सरफेस पर लिया है, और सेक्शन 2 जो कि लोअर रिजर्वर की सरफेस पे लिया है, इन दोनों के बीच में हमने बर्नौली इक्वेशन अप्लाई किया, जिससे हमें ये पता चला कि ये जो पाइप के अंदर से जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी, उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है दोस्तों, v इज इक्वल टू 0.313 मीटर पर सेकंड। अब मेरा अगला टारगेट क्या होगा, यहां पर फिर से फिगर आपको शो हो रहा होगा, मेरा अगला टारगेट ये होगा कि जो अपर रिजर्वर है और समिट के बीच में मुझे h फाइंड आउट करना है। मेरा अगला टारगेट ये है कि रिजर्व सेक्शन नंबर 1 और समिट को मैं सेक्शन एस मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि 2 तो मैं इस्तेमाल कर चुका हूं, तो मैं यहां पर समिट को सेक्शन एस मान लेता हूं, ठीक है, ये मेरा है सेक्शन एस। चलो इन दोनों के बीच में मैं बर्नौली इक्वेशन लगाऊंगा, तो क्या मुझे इससे एच मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, देखो वहां तो सेक्शन 1 पे तो P1 डिवाइड बाई रो जी, P1 डिवाइड बाई रो जी की वैल्यू 10.3 होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, V1 स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस जी की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि सेक्शन 1 पे पानी वेलोसिटी वाला नहीं है, भाग नहीं रहा भाई, और इसको मैं बेस मान लूंगा, ठीक है, लेट्स सपोज Z1 मान लूंगा, और तो ये एक तरफ सेक्शन 1 की कहानी खत्म। सेक्शन 2 पे मैं क्या करूंगा, PS डिवाइड बाई रो जी, तो PS डिवाइड बाई रो जी की वैल्यू इन्होंने दी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, देखो यहां पर इन्होंने लिखा है समिट ऑफ साइफन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्यों यहां पर बोला, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर के अंदर आपका क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक भी ऐड होता है और गेज प्रेशर भी होता है। अब यहां पर एब्सोल्यूट प्रेशर ले लो तो सेक्शन 1 पे एब्सोल्यूट प्रेशर ले ले तो गेज प्रेशर तो है ही नहीं, समझ रहे हो, सेक्शन 1 पे गेज प्रेशर तो है ही नहीं, सेक्शन 1 पे जो भी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक है,
तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेक्शन वन पे एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, क्योंकि गेज प्रेशर तो नहीं, ऊपर कोई लिक्विड वगैरह तो है नहीं, ठीक। तो यहां पर हम दोनों ही सेक्शन पे एब्सोल्यूट प्रेशर को कंसिडर कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर एट सेक्शन वन वो 10.3 ही होगा, क्योंकि एटमोस्फेयर के अलावा और कोई प्रेशर नहीं है, और समिट पे एट एब्सोल्यूट प्रेशर इन्होंने गिवन किया है, कितना गिवन किया है, 2.5 मीटर। तो मैं PS/ρg मैं इस 2.5 को इस्तेमाल करूंगा, फिर मैं V²/2g में किसको इस्तेमाल करूंगा, जो भी मैं V को फाइंड आउट कर चुका हूं 0.313 वाला, और फिर मैं Z2 माइनस Z1 वो आपको क्या देगा, H देगा, Z2 माइनस Z1 आपको H देगा, लेकिन साथ में यहां पर भी लॉस को कंसिडर करना है, लेकिन कितना लॉस, पूरी लंबाई के दौरान वाला लॉस या 2000 मीटर वाला लॉस। तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर जो लॉस कंसिडर करना होगा वो 2000 मीटर लेंथ के अंदर जो लॉस हुआ उसको कंसिडर करना होगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ रिजर्वायर वन से लेकर समिट तक ही जा रहे हैं, हम पूरी 5000 मीटर की लंबाई को क्रॉस नहीं कर रहे। तो L का ध्यान रखना जब आप FLV²/2g यानी फ्रिक्शन लॉस को कंसिडर करो, जो कि मेजर लॉस है, तो उसमें L की वैल्यू क्या होगी, 2000 मीटर। तो ये मैंने आपको ब्रीफ डिस्कस कर दिया, आइए दोस्तों इसको अप्लाई करते हैं, बहुत ही मजेदार हमें H की वैल्यू मिल जाएंगी, और क्वेश्चन यार बहुत ही अच्छे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन BE लिखता हूं, ठीक है, किसके बीच में, बिटवीन वन एंड सेक्शन S, वन और S के बीच में, आप कुछ भी नाम दे सकते हो यार, लेकिन वो सबमिट है इसलिए मैंने S नाम दे दिया। चलो तो अब मैं बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन करता हूं, P1/ρg प्लस V1²/2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2/ρg प्लस VS²/2g। P2 क्यों लिख रहा हूं यहां पर मैं, PS लिखो, PS वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर कोई आपकी वो चेक करने नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपकी लिखने की जो कला है वो अच्छी होगी तो वो आपको भी आगे ही काम आएगी, ठीक है, और सिस्टमेटिक अंदाज में लिखना जरूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार गेट में अपनी सप्लीमेंट्री जो है या गेट में अपनी जो रफ बुक है वो देखने कौन आता है, भाई वो देखने कोई नहीं आएगा, लेकिन जब सॉल्व करने दौरान आप अगर सिस्टमेटिक मैनर में लिखोगे तो वो आपको ही आसानी देगी। बहुत सारे लोग इतना गंदा लिखते हैं कि खुद ही भूल जाते हैं चेक करने के दौरान, चेक करने के समय है ना, ऑब्वियस बात है कुछ समय बच जाता है, तो हम क्वेश्चन को रीचेक करेंगे कि भाई मैंने जो किया वो सही किया नहीं, अब इतना गंदा कैलकुलेशन किया होता है तो रीचेक करने का तो फिर सवाल ही बिना, तो सिस्टमेटिक मैनर में लिखना जरूरी है। तो PS/ρg VS²/2g और ZS लिख देता हूं मैं Z2 की जगह, समझिए, प्लस FL VS²/2g और DB आएगा, डायमीटर तो थ्रू आउट कितना है, 0.1 मीटर है। सो देयरफॉर यहां पर कितना था, P1/ρg तो यहां पर हो जाएगा 10.3, V1 0 हो जाएगा और Z1 यहां पर है, और ZS को मैं इसी तरफ रहने देता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर ZS माइनस, क्योंकि ZS ऊपर है ना, ZS ऊपर है, Z1 से ऊपर कौन है, ZS, ठीक है, तो मैं Z1 माइनस ZS की वैल्यू कितनी लूंगा, ऑब्वियस बात है कि कितनी लूंगा, H के बराबर लूंगा। सो प्लस 0 इज इक्वल टू PS/ρg, दोनों जगह एब्सोल्यूट है तो 2.5 हम ले सकते हैं, ये भी 10.3 भी एब्सोल्यूट ही माना जाएगा, क्योंकि एटमोस्फेरिक के अलावा और कोई वहां पर प्रेशर नहीं है, तो PS/ρg एब्सोल्यूट प्रेशर 2.5। VS²/2g में आप कर सकते हो 0.3132 2 9.81, ठीक है, इसके कैलकुलेशन अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। और यहां पर मैं लिखता हूं ZS माइनस Z1 जो कि H के बराबर हो जाएगा, प्लस FLV²/2g, तो F आपका कितना है 0.02, L आपका यहां पर ध्यान रखना 5000 गलती मत करना, 2000 होगा सेक्शन 1 और सेक्शन S के बीच में, तो 2000 × 0.3132 2 × g × d, तो d की वैल्यू 0.1। एक बार मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। therefore यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ये है आपका h, ठीक है, therefore h is equal to 10.3, है ना, इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया, zf minus z1 is nothing but h, 10.3 minus 2.5, ये इस तरफ गया minus 2 पर, अब 0.3132 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस जी की वैल्यू कितनी होती है, तो आ जाओ फिर से गेट के कैलकुलेटर में, तो 0.313 का होल स्क्वायर, तो 0.0981 हमने कैलकुलेट किया ही था,
डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई जी 9.81। यहाँ पर गलती होती है भाई। अब ये आया 0.005। बहुत सारे लोगों ने जो 2019 का पेपर सॉल्व किए थे उन्होंने 0.05 लिख दिया था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे, अपनी गलतियां बता रहे थे, तो वहां पर था ये एक गलती थी। तो ये है 0.005। तो माइनस के अंदर इस कंपोनेंट को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर हो जाएगा, तो माइनस 0.05। अब ये बड़ा सा कंपोनेंट है FLV²/GD वाला, इसको भी अपने को माइनस में ले जाना है, तो इसको माइनस में ले जाने से पहले कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। F की वैल्यू है 0.02, L की वैल्यू है 2000, ये हो गया FL, V स्क्वायर, V कितना था अपना 0.3132, तो FL V स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय G 9.81 डिवाइडेड बाय D 0.1। अब FL Q स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर, तो ये मेरा आया 1.99998। इसको दो ले सकता हूं लेकिन नहीं लेना, मैं 1.999 लिखूंगा भाई, है ना भाई, 1.999। तो ये हो जाएगा 1.999, ठीक हो गया। तो ये अब कैलकुलेशन करो तो ये आपको H मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया मेरे दोस्तों। सो 10.3 में से अपने को माइनस करना है। चलो पहले तो इसको ही माइनस कर दूं मैं, ठीक है। किस में से, ध्यान रखना मेरा कैलकुलेशन देखो, मैंने उसको माइनस साइन का इस्तेमाल किया, आपने देखा होगा वो प्लस में था, मैंने ये प्लस माइनस वाला सिंबल दबाया तो वो ऑटोमेटिकली प्लस वाला माइनस में हो गया। अब प्लस में क्या करूं, 10.3 करूं, है ना, माइनस में अब क्या करूं, 2.5 बचा है, और माइनस में क्या करूं, और माइनस में कर देता हूं 0.005। तो मेरा आंसर आ गया 5.795। मेरा आंसर कितना आया 5.795। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ाओ तो तुमको पता होगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ाओगे तुमको पता होगा क्या लिखा था क्वेश्चन में, लिखा था राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस मेरे दोस्तों। राउंड ऑफ कितना लिखा था, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस इज, तो राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस कितना होगा। हाँ भाई, राउंड ऑफ करना हमको बचपन में सिखाया जाता था। देयरफॉर एच इज इक्वल टू 5.795, 79 फिर उसके बाद 5 है तो मैं क्या लिखूंगा 5.8 मीटर। तो माय करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, 5.8 मीटर मेरा एच की वैल्यू हो जाएगी जो कि इन्होंने बोला था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्या वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, हम इस क्वेश्चन में क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 5.8 जो कि आपके पास वहां पर अवेलेबल होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप करने के लिए वो कीबोर्ड देते हैं जिसको माउस से इस्तेमाल करना होता है, ऐसा नहीं कि कीबोर्ड से इस्तेमाल, माउस से इस्तेमाल करना होगा 5.8। तो 5.8 विल बी द करेक्ट आंसर दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये जो एपिसोड नंबर 1 था जिसके अंदर हमने इतना बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस किया, ये आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और आज के एपिसोड नंबर 1 को यहीं पर समाप्त करते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस सीरीज को सक्सेसफुल बनाइए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एपिसोड ला सके। बाय, टेक केयर।